यह कंसेप्ट वीडियो किसी भी चार्ज पार्टिकल के मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पर आधारित है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों थ्री तीन डायमेंशंस बने हुए हैं एक्स वाई एंड जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के अलाउ हमने पार्टिकल की वेलोसिटी रिप्रेजेंट करी है वी आई कैप से वाई एक्सिस के जे कैप e और z एक्सिस के अला मैग्नेटिक फील्ड b k कैप रिप्रेजेंटेड है अब चूंकि हमने पढ़ा हुआ है लॉरेंज फोर्स यानी कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन दी कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इसका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर प्लस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ विलॉसटी एंड मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर और अगर बच्चों मैं कहूँ कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है आप क्लियरली लिख सकते हैं बच कि Q टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय जे वेक्टर सिमिलरली आप यह भी लिख सकते हैं कि इस पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना लग रहा होगा यानी कि आपको वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है बच्चों वेलोसिटी वेक्टर है आई कैप यानी एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है आपका जेड डायरेक्शन में यानी कि के कैप तो बेसिकली आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चों क्यू वी बी आई क्रॉस के तो बच्चों माइनस जे कैप होता है तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल के ऊपर जो दो फोर्स लग रहे हैं एक जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो लग रहा है बच्चों पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में और जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है वो लग रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जस्ट द पार्टिकल इज एक्सपीरियंसिंग टू फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन अब अगर एक ही पार्टिकल पे दो फोर्सेस अलग अलग मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो पार्टिकल तो हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव करेगा सो पार्टिकल विल मूव इन द डायरेक्शन वी आर फोर्सेज लार्जर मैग्नीट्यूड बच्चों एक केस ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि दोनों ही फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही हैं अगर हम इस तरीके से दोनों का मैग्नीट्यूड एडजस्ट कर लें कि दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाए तो चूंकि डायरेक्शन तो पहले से ही अपोजिट है तो पार्टिकल के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा ऐसा तभी हो सकता है जब E इज़ इक्वल टू वी बी यानी कि क्यू ई इज़ इक्वल टू क्यू वी बी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फ़ोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए या यूं कहें कि वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये जो सिचुएशन अगर हम डेवलप कर लेते हैं बच्चों तो हम बेसिकली पार्टिकल को अनडेविएटेड पास करा सकते हैं इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ये जो हम कंडीशन ऑप्टेन करते हैं v इज़ इक्वल टू ई अपॉन बी वाली इसको वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं कि अगर हम e और b की वैल्यूज़ को इस तरह से एडजस्ट करें कि वो पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर हो जाए उनका रेशियो तो आपका पार्टिकल अनडेविएटेड पास कर जाएगा वेलोसिटी सिलेक्टर वेलोसिटी सिलेक्टर द वेलोसिटी एट विच द चार्ज पार्टिकल मूव्स अनडिफ्लेक्टेड इन गिवन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ये डेफिनेशन है बच्चों इसकी आप इसे लिख लें बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ भी देता है इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लें सिमिलरली पिच जैसा कि मैंने बताया था डिस्टेंस मूवड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन ये इसकी वन लाइन डेफिनीशन होती है फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाय पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम पीरियड का फॉर्मूला टू एम अपॉन क्यू बी तो कंसेप्ट टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए बच्चों व्हाट इज द रेडियथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट स्पीड ऑफ टू इंटू टेन की पावर माइनस सेवन मीटर पर सेकेंड इन दी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस फोर टेस्ला परपेंडिकुलर पेंडिकुलर टू इट व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन के ई वी तो बच्चों रेडियस ऑफ पाथ निकालना है आपको स्पीड दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको वैल्यू दे रखी होती है पेपर में साथ ही साथ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे रखा होता है वैसे ये दोनों ही वैल्यूज़ आपको याद भी होनी चाहिए तो ये फार्मूला बेस्ड सवाल है बच्चों एक मिनट का समय देता हूँ आप स्वयं प्रयास करिए चलिए देखते हैं चूँकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर है तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में ये गोल गोल घूमेगा सर्कुलर पाथ में आपका चार्ज पार्टिकल फार्मूला होता है रेडियस का एम वी अपॉन क्यू बी मैंने शुरू में ही बताया था ये एक फार्मूला बेस्ड सवाल है बहुत ही आसान है ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू निकल कर आती है अब आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा है आप चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं क्यूबी अपॉइंट टू पाई एम फ्रिक्वेंसी निकल कर आती है बच्चों टू मेगा हर्ट्स एनर्जी के लिए आपको हाफ एम वी स्क्वायर चूँकि मूव कर रही है एक ही एनर्जी होगा इसके पास कारंटिक एनर्जी वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगा आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा ये टास्क है आपके पास अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों आपको इस एनर्जी की वैल्यू जो कि जोल जूल में रिप्रेजेंटेड है इसको आपको इलेक्ट्रॉन के चार से डिवाइड करना होगा 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस से डिवाइड करने पे 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वैल्यू आएगी तो बच्चों कंक्लूजन्स की ओर बढ़ते हैं तो इस टॉपिक का इस कंसेप्ट वीडियो का हमारा कंक्लूजन ये है पहला कि पार्टिकल विथ वेलोसिटी वेक्टर वी इज इक्वल टू ई अपॉन बी विल पास अनडिफ्लेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए दूसरा कंक्लूजन ये है बच्चों कि ये इन्फॉर्मेशन का प्रयोग जे जे थॉमसन ने यूज करा चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट करने में Electron. Ka. It is also used in mass spectrometer, a device that separates charged particles according to a charge to mass ratio.